हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे? सो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक. आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड द लास्ट टॉपिक एंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टडी द वैल्यूज ऑफ व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द डिवाइस ऑफ पोटेंशियोमीटर बेटे? ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स EMF of two cells or to measure the internal resistance of the cell. तो हमारे पास अगर हमने value find करनी है to compare the EMF of the two cells. तो हमारे पास दो cells हैं. एक cell की values पता है, दूसरी cell की values नहीं पता. तो हम उनको by comparison करके उनके values of unknown value की जो होगी उसको हम find out कर सकते हैं value of EMF. ठीक है, तो हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं. नंबर टू, वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ठीक होती है. वी कैन आल्सो कैलकुलेट दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज आल्सो डिवाइस टू मेजर द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स वेरी एक्यूरेटली. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स आल्सो in very accurately. Why? Because dekhiye, it is also one of the method to measure the values of potentials at very high accuracy. Why? The reason is that jitna hamare paas least count bada hoga bete utni accuracy value zyada aayegi. Theek hai, hum in potentiometers ke device mein kya use karte hain? A wire of length 400 cm. To ye hai hamara point A terminal. Which is half values, इसकी length कितनी बेटे? 100 centimeter. Second वाली value कितनी होगी? 100. तो 100, 100, 100, 100 कितनी होगी? 400. तो total value इसकी length होगी 400. तो बेटे 400 centimeter है, तो जितना length बड़ी होगी उतना least count ज़्यादा होगा. जितना least count ज़्यादा होगा उतनी accuracy इसकी ज़्यादा होगी. That is why the potentiometer is also used to measure the values of potentials. Okay, it is measure the value of potential at very high accuracy. Okay, and also it have two application to compare the EMF of two cells and to find the internal resistance of the cells. Okay, so आपको potentiometer clear हुआ कि what is the potentiometers. Okay, अब इसका हम study करेंगे what is the principle. Its principle is that when constant current is passing through a wire of uniform area cross section. Of India, okay? Then potential drop is directly proportional to the length of wire. तो बेटे होता क्या है इसमें? अब देखिए, potential drop directly proportional to the length of the wire. तो जितना जैसे जैसे आप potential को measure करोगे ना, देखिए, this is the battery. Battery is connected to the positive terminal. तो यहाँ से A terminal कैसा हुआ? Positive terminal. और यहाँ का potential क्या आएगा? High. अब अगर आप इस जोकी को, जोकी क्या देगी आपकी वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, ये जोकी को आप यहाँ रखते हो तो वैल्यू देगा मैक्सिमम वोल्टेज. जैसे ही लेंथ इंक्रीज करते हो तो लेंथ इंक्रीज होने से थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ गई. जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी. इसका मतलब जैसे जैसे इस वायर की लेंथ बढ़ेगी वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी. तो हम बोलेंगे दिस ड्रॉप इन वोल्टेज. तो वोल्टेज का क्या हो रहा है? ड्रॉप. तो ड्रॉप इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. तो जितनी जितनी आप यहाँ से लेंथ लगाते जाओगे, लेंथ बढ़ेगी तो इसकी वोल्टेज कम होती जाएगी. यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई है, लेंथ जीरो है. यहाँ पे आप 50 सेंटीमीटर का लेंथ कर लिया, वोल्टेज की वैल्यू मान लो यहाँ पे थी आपकी 50 वोल्ट, तो यहाँ पे रह गई आपकी 40 वोल्ट. तो आगे किया तो 40 से और कम हो गए. तो कम होते 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 लास्ट में एट पॉइंट बी में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है. तो जैसे जैसे आप इस वायर की लेंथ के ऊपर जोकी को मूव करवाओगे वैसे वैसे इसकी वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप आएगा. सो ड्रॉप इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर्स. सो अगेन से When constant current is flowing, तो इसमें हम करंट की वैल्यू को क्या रखते हैं? कॉन्स्टेंट. अगर करंट कॉन्स्टेंट होगा
तभी उसकी वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉप आएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो वोल्टेज करंट को हम कैसे कांस्टेंट रखेंगे, ये बैटरी है, बैटरी से हमने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दी, तो रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे करंट कम हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे हमने यहाँ से मेजर किया कि कितने एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, सपोज करंट मेजरिंग इज 3 एम्पियर, तो करंट को हमने बस कांस्टेंट रख देना। इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप होगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ। क्लियर? ओके, तो यही था हमारा प्रिंसिपल, दैट इज ड्रॉप इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो इट मींस दैट थ्योरी में हम कैसे बताएंगे, इन थ्योरी वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी किसके होगा, आई आर के होगा। और आपको पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी होगी इस वायर की, तो रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। ठीक है, क्योंकि हमने वोल्टेज और लेंथ का रेशियो बनाना है, सो दैट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है लेंथ ऑफ एरिया। सो पुट, वी विल पुट दिस वैल्यू ओके इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इनटू इक्वेशन 1 वी हैव दिस वन वैल्यू। तो बेटे आप इसमें देखिए एक चीज आप नोट करेंगे, दैट वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, जो उसमें करंट चल रहा था वायर में फ्लो हो रहा था वो भी कांस्टेंट है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, ये सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो एल जो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एल को वेरिएशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेंथ इंक्रीज होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। सो इस सारे फैक्टर कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट टू एल, सो वी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पे जो वी है वो है ड्रॉप इन पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव वी। अगर हम इसका वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का ग्राफ बनाएं, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे, तो इस ग्राफ में वैल्यू वी का कैसे आएगा, नेगेटिव। इफ द लेंथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिक्रीज। ठीक है, तो ये है ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये है एल, तो इन दोनों में ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर्स, नाउ वी आर गोइंग टू टू सॉल्व इट्स एप्लीकेशन पार्ट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ इट्स एप्लीकेशन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट। इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज दैट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, वी कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर। But how can we do it? First of all, we will do one of the standard cell is given, okay, and one is the unknown value of cell. This is unknown value of cell. This is the given value of EMF value. So, but first of all, we will do first of all connect the standard cell of cadmium. So, हमें इसकी value का पता चलेगा. तो हमने सबसे पहले cadmium cell को लगा देंगे. इसकी value कितनी है? 1.018 volt. क्लियर, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो जैसे ही हम इसकी जोकी को आगे को रोटेट करवाएंगे, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जब इसका वोल्टेज और इसका जो ड्रॉप इन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम। ओके, देखिए बैटरी के हमारे पास एक बेटी ये वाली बैटरी है, दिस इज सेल, स्टैंडर्ड सेल, एंड दिस इज ऑक्सिलरी बैटरी। तो ये है बैटरी, ये है सेल। ठीक है, इससे जितना वोल्टेज आएगा वो जाएगा पॉइंट ए पे, और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे भी करंट जाएगा। लेकिन जब इसका वोल्टेज का वैल्यू इसके वोल्टेज के बराबर किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसके वोल्टेज इस सेल की वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस गिवन सेल। ठीक है, ऑक्सिलरी बैटरी की वैल्यू जितनी भी आएगी बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू जितना आएगा ना, तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। हमने पोटेंशियोमीटर्स में स्टडी किया है कि पोटेंशियल ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ पे जाके इसकी वैल्यू कितना आ गया, जीरो। जब जीरो आ जाएगा तब गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शंस। ओके, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। When the galvanometer gives us no deflections, when the galvanometer is balanced, तो वो let the balancing length, वो कितनी length पे balance हुआ था, वो होता है
सपोज, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था dv / dl, तो वोल्टेज कितना था सेल का, वी नो दिस वैल्यू और इसकी बैलेंसिंग लेंथ वैल्यू, इसको उससे डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितना आ गया 5×10⁻³ वोल्ट सेंटीमीटर क्यूब्स, तो ये हमें वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सेल लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अगर हमें पता नहीं है तो उसकी अननोन की वैल्यू वाले सेल की वैल्यू रख देंगे। नाउ फिर क्या आएगा, नाउ रिप्लेसिंग द अननोन सेल ऑफ स्टैंडर्ड सेल, तो स्टैंडर्ड सेल की जगह पे हमने पहले कैडमियम यूज किया था, अब कोई और सेल लगा दिया, अब हम उसकी वैल्यू ईएमएफ फाइंड करेंगे, तो इसकी ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ सेल ओवर लेंथ बैलेंसिंग लेंथ, जो भी जहां पर भी ये सेल लगा के फिर से इसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, तो इसकी वैल्यू वी विल कंपेयर दिस वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन सेल, तो फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो dv / dl का वैल्यू आपके पास पहले ही है, अगर जो भी इसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। लेट्स स्टार्ट सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। लेट्स स्टार्ट, so let's start next part, that is to compare the emf of two cells, so we can now compare the values of emf of two cell by using the values of potentiometer and to measuring the values of balancing length, to bete sabse pehle fir se hum kya karenge, we have a given circuit, you have this one circuit diagram of potentiometer, to potentiometer ka jo higher potential terminal hoga point a, iske sath hum cell laga denge a1 first cell और दूसरा टर्मिनल होगा E2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट सेल E1 को कनेक्ट करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, ये जो पॉजिटिव का बैटरी का पोटेंशियल, ये फोर्स लगाएगी यहाँ पर और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये भी फोर्स यहाँ पर लगाएगी और एक ऐसा टर्मिनल आपको मिलेगा जहाँ पे इस सेल की वैल्यू इज इक्वल टू दिस सेल, जब दोनों सेल एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल करेंगे वो एक ऐसा पॉइंट आएगा लेंथ, जहां पे उस लेंथ को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, तो वो बैलेंसिंग लेंथ होगी आपका E1 का लेंथ कितना आएगा L1, और फिर हम E1 को डिस्कनेक्ट करके E2 को, सॉरी इसको साथ साथ करते, इसके साथ डिस्कनेक्ट करने के बाद हम कैल्वेनोमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले E1 को कनेक्ट किया, E2 को डिस्कनेक्ट, इसके बाद फिर E1 को डिस्कनेक्ट कर दो, फिर E2 को कनेक्ट कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन सेल E1 इज कनेक्टेड टू द सर्किट इट्स बैलेंसिंग लेंथ इज L1, E1 क्या आएगा L1, इफ x इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड I इज द कांस्टेंट करंट देन E1 इज इक्वल टू Ix L1 इज इक्वल टू 1, वी गिव द इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आपको पता ही है V = क्या होता है, E = I R, तो ये था हमारे पास V = I और R, तो ये था उसकी वैल्यू, तो दिस इज द वैल्यू फर्स्ट, सिमिलरली सब जब हम E2 को कनेक्ट करेंगे फिर से वैल्यू इसका फाइंड करेंगे, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, तो इसकी वैल्यू बैलेंसिंग लेंथ कितना आएगा I, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद वी गेट द लास्ट वैल्यू दैट इज E1 over E2 is equal to L1 over L2. If we know the value of L1 L2, अगर हमें L1 L2 पता है और इन दोनों में से किसी एक सेल की वैल्यू पता है, फॉर एग्जाम्पल E1 पता है और L1 L2 पता है, तो हम E2 को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें E2 का वैल्यू गिवन है, E1 का नहीं गिवन, तब भी हम इसको इस फॉर्मूले पे लगा के हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। So by in this method E1 E2 की values को cell को हम compare कर सकते हैं। This is also the second applications of potentiometers. Okay, let's start next application. Start last topic, last application part of potentiometer. The last application part of potentiometer is that to measure the internal resistance of a cell. तो बेटे cell के अंदर जो उसके प्लेट्स होती है बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट, उनके अंदर जो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है वी कैन कैलकुलेट दैट इंटरनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर्स। हाउ कैन वी डू इट, लेट्स सी।
So first of all, you have given a potentiometer diagram. This is circuit diagram of potentiometer. तो हमारे पास बेटे ये है बैटरी का सेल. This is the battery, we call it is auxiliary battery. तो यहाँ पे इसको हमने की के साथ कनेक्ट किया की वन. तो यहाँ पे फर्स्ट की है की वन और दूसरा सेल लगा हमारे पास दिस वन सेल. आल्सो कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल पॉइंट ए. ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव. तो इसके साथ स्मॉल में लगा एस. एस क्या होता है? एस इज द शंट. शंट क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स. तो एस यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसके साथ हमारे पास एक की लगी है की टू. की लगी है की टू और इसके साथ गैल्वेनोमीटर और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स. तो बेटे रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसमें रेजिस्टेंस हमारी 1 से लेके इनफाइनाइट 10,000 तक होती है. बट जो हमारे पास स्मॉल शंट है इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से लेके 10 ओम तक रखते हैं. तो इसको हम स्मॉल एस बोल देते हैं, इसको हम कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स बोल देते हैं. अब फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने की टू को ऑफ कर देना है, की वन को ऑन कर देना है. जब हम इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे तो इसमें ये जो शंट है, शंट की कोई वैल्यू इसके साथ ऑफ नहीं होगा. तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो सर्किट में नहीं जाएगी. रेजिस्टेंस शंट की सर्किट में नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, इस सेल का वोल्टेज और उस सेल का वोल्टेज जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, बैलेंस होंगे एक पर्टिकुलर लेंथ पे, वो हम उसकी बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करेंगे. तो उसकी जो फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, व्हेन T1 इज ऑन एंड T2 इज ऑफ, देन बैलेंसिंग लेंथ L1 इज गिवन बाय. तो इस सेल का जो वैल्यूज होगा, कितना वैल्यूज आया, इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास L1XI. इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसके बाद फिर से करना है, इसको स्विच ऑफ कर देना है तो इसको स्विच ऑन. K2 को ऑन करना है, उसको K1 को ऑफ. फिर उसका कोई सर्किट नहीं जाएगा उसमें रेजिस्टेंस. तो इसकी ये सर्किट है तो ये सर्किट घूम के बटे इसकी रेजिस्टेंस फॉलो होगी और इसकी वैल्यू फिर से इस सर्किट में घूम चुकी रहेगी. आप देखिए क्या होगा, ये है ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्टेड है, करंट इसमें से जाएगा फ्लो होंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से फ्लो होता हुआ घूम के ये जो कि जहां पे लेंथ करेंगे तो इस लेंथ से लेके उस पॉइंट तक ये सर्किट बन गया इसका कंप्लीट. ठीक है, सर्किट प्रॉपर पूरा क्लोज हो गया. यहां से लेके करंट जाएगा और यहां पे जो कि अगर यहां पे टच कर गई, ठीक है, तो यहां तक, तो ये तो ये सारा का सारा क्लोज सर्किट बन गया. तो वहां से हमने इस बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल, तो अब हम फाइंड करें इसका टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू. तो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वी. तो वी का वैल्यू कैसे करते हैं, वी इज इक्वल टू एक्स एल टू एल. तो यहाँ पे अब जो लेंथ फाइंड करेंगे वो होगी हमारे पास लेंथ एल टू. उस लेंथ को नाम दे दी एल टू. अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे. फर्स्ट इक्वेशन में ओनली द बैटरी इज कनेक्टेड एंड सेकंड वन इज नॉट कनेक्टेड. एंड सेकंड पार्ट में फर्स्ट इज नॉट कनेक्टेड, सेकंड इज कनेक्टेड. दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2. डिवाइड करके हमारे पास E ओवर V का वैल्यू कितना मिल गया, L ओवर L2. हमें पता बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल का एक रिलेशन होता है बेटे, दैट इज R इक्वल टू EMF ऑफ सेल ओवर पोटेंशियल -1 × R. तो E ओवर V का वैल्यू कितना बेटे, L1 ओवर L2. इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें पुट कर दो वैल्यू. तो L1 ओवर L2 के वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू बन गया R इक्वल टू L1 ओवर L2 -1 × R. सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर. दिस इज द थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो बेटे इसको भी आपने अच्छे से करना, एग्जाम वाले क्वेश्चन है सारे याद रखिए. मैंने आपको पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन करवाई है, इसमें से 2 तो आपके फाइनल के एक्सपेरिमेंट ही है. तो फाइनल के एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ, एक तो था टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, दूसरा पार्ट था टू कंपेयर द 2 EMF ऑफ अ गिवन सेल. तो ये दोनों आपके +2 बोर्ड में एक्सपेरिमेंट होते हैं दोनों, और ये दोनों एग्जाम में अक्सर आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वी और एल का ग्राफ बना लीजिए और क्या आएगा इसमें, इसकी दोनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन पूछ सकते हैं आपको.
ठीक है, तो चाहे आप इस एप्लीकेशन को ड्रा कर दीजिए चाहे दूसरे को, आपको दोनों को ही करना है। थर्ड पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज हमने किया, स्लाइड वायर ब्रिज किया जिसको हम मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं, उसके भी एप्लीकेशन हमने स्टडी की है। तो आज आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आपने सब चैप्टर्स को अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो बेटे एक चीज़ और कि मैं आपको, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एक मैं और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इसका जिसमें हम न्यूमेरिकल की स्टडी करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म। ओके, सो वर्क हार्ड एवरीवन।